Hello friends, do subscribe and click on ring icon to get fast notification. वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर आज की क्लास में एक्सेल टिप्स में हम जानेंगे कि अगर हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आज की डेज से कंपैरिजन करेंगे तो हम कितने वर्ष, कितने दिन और कितने महीने के हो चुके हैं, वो यहाँ से हम कुछ फंक्शंस के जरिए निकालने की कोशिश करेंगे। यानी कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और आपका ईयर वो कैलकुलेट करके बता देगा कि आप कितने डेज, कितने मंथ्स और कितने ईयर के अभी तक हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो कॉलम में, एक कॉलम में लिख देते हैं एंटर डेट ऑफ बर्थ, जिससे हम एक प्रोग्राम बना सकें आगे तक के लिए। एंटर डेट ऑफ बर्थ के बाद हम डाल देंगे टुडेज डेट, और यहाँ पे टुडेज डेट में आप डाल देंगे एक फंक्शंस की हेल्प से, एक हमारा इनबिल्ट फंक्शंस होता है टुडे, जिससे आज की तारीख वो यहाँ पर मेंशन कर देगा। एंटर प्रेस करने पे ये ऑटोमेटिकली डेट उठा लेगा और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भी डेट डालूंगा तो पहले जो होगा वो मंथ, फिर आपका डे और फिर आपका ईयर। यहाँ पर हम ले लेते हैं जैसे सितंबर 5, तो पहले हमने ले लिया 09/05/1996। तो इस डेट के अकॉर्डिंग कितने ईयर के हो चुके हैं, कितने मंथ के और कितने डेज के, ये सब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हमें एक फार्मूला लगाना होगा, जो हमारा फार्मूला है डेटेड इफ। और यहाँ पर डेटेड इफ लिखने के बाद आपको पहले दे देना है अपना डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद दे देना है आज की तारीख। और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमास में आपको क्या निकालना है, वाई मीन्स ईयर। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे, यहाँ पे बता रहा है कि अभी तक आप 21 साल के हो चुके हैं, अभी महीने भी बाकी हैं और डेज भी, तो वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे डेटेड इफ, और डेटेड इफ लिखने के बाद हमें फिर से पास कराना है अपना डेट ऑफ बर्थ, दिन कोमा डाल के हमें डालना है आज की तारीख। उसके बाद हमें यहाँ पे दे देना है ईयर में से हम मंथ निकालना चाहते हैं, और डबल इन्वर्टेड कोमास को हम बंद करते हुए जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे बता देगा 21 साल 3 महीने। अभी अगर दिन भी पेंडिंग है तो वो भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, और हमें देना होगा यहाँ पर फिर से डेटेड इफ, और पहले देना होगा अपना डेट ऑफ बर्थ, देन उसके बाद देना होगा आज की तारीख। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। अगर आप इसे कल खोलेंगे तो कल, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन लगा रखा है टुडे का, तो ऑटोमेटिकली ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा डेट। यहाँ पर हम अब डाल देते हैं मंथ में से हम डेज निकालना चाहते हैं, अगर जो भी बचते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो दिखा रहा है करंट डेट ऑफ बर्थ 21 साल 3 महीने 9 दिन। इस तरीके से आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालकर अपनी एज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम भरते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि 1 सितंबर तक आपकी 2017 तक कितनी आयु होगी, तो आपको क्या करना है, टुडेज डेट में डाल देना है 1 सितंबर, यानी कि 09/01/2017। तो इस तरीके से आपके जन्म से लेकर उस डेट तक आप कितने महीने, कितने दिन, कितने साल के होंगे, वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी के अपडेशन के लिए जुड़े रहिए सेल्फ अध्ययन के साथ। थैंक यू।